बल्लारपुर नगर परिषद में कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग आयोजित पत्र परिषद में मनसे नेता अमन अंधेवाल ने की है। बल्लारपुर नगर परिषद में कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए किए गए बीमा टेंडर के भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी एवं अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग आयोजित पत्र परिषद में मनसे कामगार जिला अध्यक्ष अमन अंधेवाल ने किया। इस समय उन्होंने बताया कि बल्लारपुर नगर पालिका कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा वर्ष 2024-25 के लिए टेंडर निकाला गया। इस प्रक्रिया में टेंडर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, HDFC लाइफा इंश्योरेंस कंपनी एवं इफको टोक्यो ने सहभागी हुए। नियमानुसार 10 लाख से अधिक के टेंडर ऑनलाइन मंगाना अनिवार्य है। इसके बावजूद लेखापाल ने ऑफलाइन टेंडर कर इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करने का आरोप मनसे कामगार सेना जिला अध्यक्ष अमन अंधेवाल ने किया। इस संबंध में संबंधित लेखापाल ने पद का दुरुपयोग कर शासकीय राशि का भ्रष्टाचार कर सरकार का नुकसान किया है, टेंडर प्रक्रिया के रेट में अफरा तफरी कर गैर व्यवहार करना, शासन को गुमराह करना, वरिष्ठों को गुमराह करना, धोखाधड़ी आदि गंभीर आरोप किए जाने से संबंधित लेखापाल से पूछताछ कर उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, अन्यथा मनसे कामगार सेना द्वारा आंदोलन करने का इशारा दिया गया। इस पत्र परिषद में अमन अंधेवार, अरुणा तोड़साम, उमेश कोंडले, अजित पांडे उपस्थित थे। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना जिला अध्यक्ष अमन अंधेवार, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जा रहा है तो उसमें बल्लारशाह नगर परिषद में जो कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस हर साल होता है, तो ये 24 और 25 का जो इंश्योरेंस हुआ है इसमें लेखापाल जी ने जो फेरफार किए उसके विषय में है। तो हमने इस इंश्योरेंस के विषय में हमने सीओ साहब को, नगर परिषद के सीओ साहब को भी निवेदन दिया है और जिलाधिकारी साहब को, कलेक्टर साहब को भी हमने निवेदन दिया है। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और इसके ऊपर जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट तक जाएंगे और उन लोगों को सस्पेंड कराने का हमारा निवेदन है और 400 BC का उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। और जो लोगों ने ये चीजें की है, अगर लेखापाल के साथ में जो जो भी लोग उसमें मिले हुए है उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। मामला ये है कि जो जैसा 32 लाख का इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस इन लोगों ने 32 लाख का कर्मचारी लोगों का इंश्योरेंस निकाले है, तो उसमें लोगों ने फेरफार ये की है कि 24 लाख का इंश्योरेंस टेंडर डालने के बावजूद इन लोगों ने 32 लाख का टेंडर वाले को टेंडर दिया गया। 24 लाख ऑनलाइन डिस्प्ले हो रहा है 44 का। ये जैसे कि अभी देखिए, ये अपना इंश्योरेंस है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ये इसने डाला है 32 लाख का टेंडर, 32 लाख। ये तीन लोगों ने टेंडर डाला है, इसमें स्टार वाला है, HDFC वाला है और इफको वाला है, तीनों ने डाले है। तीनों में से ये टेंडर मिला है 32 लाख वाले को, ये है स्टार हेल्थ वाला, मेन ये है। और इसमें जैसा कि मेरा इंश्योरेंस होता है कर्मचारी, जैसा कि मैं कर्मचारी हूँ, मेरे ऊपर में जो मेरी फैमिली है, मेरे लोग है, तो उनके साथ में ये पूरे पैराग्राफ भरा जाता है तब जाके उसको इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन दो पैराग्राफ भरने के बावजूद उसको इंश्योरेंस दिया गया है, जबकि HDFC वाले ने चारों पैराग्राफ भरा था और इसको छेड़छाड़ की गई है, 24 को 44 बनाया गया है। और ये इसका जो 24 को 44 बना है इसका ओरिजिनल कॉपी ये है जिसे मैं जीमेल से निकाला हुआ है, ये देखिए 24,71,672 और आखिरी का देखिए 31,18,091 और इसमें देखिए 24,71,672 बनाया गया और आखिरी का 31 को 81 लाख बनाया गया, 81,18,091। और ये टेंडर इसको मिलना चाहिए था, जो 32 लाख का टेंडर है स्टार वाले को जो मिला है वो 24 लाख वाले को, HDFC वाले को मिलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने 9 लाख का गाला करके इसको दिया गया है। सबसे बड़ी चीज ये है, इसलिए हमारा कहना है कि सब जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई हो और इनके ऊपर 400 BC की गुनाह दाखिल किया जाए और जो जो भी लोग इनमें मिले हुए हैं उन सबको सस्पेंड किया जाए।